देखा कैसे बनाए ऑफिस में आया ना हमारी यस सामने देख लो सामने सबको सर हाथ पकड़ो सर आओ वन प्लेट थैंक यू थैंक यू गाइस थैंक यू अभी थोड़ा चलो खेलो रुचिता बोलो 100 एपिसोड के लिए आप सबको बधाई ऐसे थोड़ा सा बोलना है बोलो सब स्टार्ट करो ना अरे क्या बोलना है बोलो फटाफट क्या बोलना है सर को बोलेंगे 100 एपिसोड के लिए हैप्पी न्यू ईयर सांस ले लो आप पहले खा लीजिए और सबको बोलिए आप सबको थैंक यू वेरी मच फॉर 100 एपिसोड ओके हां देख सभी दर्शकों को सभी व्यूअर्स को क्या बोलना है आप सबको घरवाली मित्रों घरवाली लेकिन है तो साथ में ना है तो साथ हम साथ साथ जिस तरीके से ऐसे निशान देना है मेरी सारी की क्रीज देख लेना लोकिया मैम आज 100 एपिसोड है तो कुछ स्पेशल ही हो रहा है किसी का बर्थडे आने वाला है तो आपको पता चलेगा किसका जन्मदिन है और कुछ बहुत अच्छा और धमाकेदार देखने को मिलेगा अभी बता सकते हैं आप किसका बर्थडे है एक कोई महिला है हाँ जिसका मन सुंदर है ट्विस्ट यही देखने को मिलेगा कि अमृता अब वापस आ गई है पहले सुनहरी थी लेकिन अभी सबको पता नहीं है सिर्फ माँ और दादी को पता है कि वो अमृता ही है जो सुनहरी थी तो अभी पता चलता है रुचिता को या नहीं पता चलता है कि ये अमृता ही है अमृता प्यार करती है निहार से ये बहुत बड़ी बात होगी ये बहुत बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है ये एपिसोड में भी क्योंकि अगर अमृता की सच्चाई आएगी तो ये भी पता चलने वाला है कि निहार को कभी रुचिता से प्यार था ही नहीं विच इज़ अ वेरी बिग थिंग पूरे अभी तक जितना भी हमने एपिसोड किया है इसमें ये मुझे लगता है सबसे सबसे ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है क्या प्यार नहीं वो बहुत ज्यादा केयर करने लगा क्योंकि वो भी तो देख रहा है इतने महीनों से शादी के बाद से क्या कुछ नहीं हो रहा है इस लड़की के साथ क्या कुछ नहीं झेल रही और ऑब्वियसली निहार बहुत अच्छा इंसान है तो इंसानियत के नाते एक केयरिंग और साथ रहते रहते आदत हो जाती है प्यार नहीं बोलेंगे बट हाँ उसको उसके प्रति फील होने लगा है कि बेचारी बहुत सीधी है भोली है तो मैं इसका साथ दूंगा जिसकी वजह से मुझे लगता है रुचिता इस घर में गॉयल्स में टिकी हुई है जस्ट बिकॉज ही इज केयरिंग ही इज दैट केयरिंग एंड लविंग यही बोलूंगी कि आज 100 हुआ है 500 होगा 1000 होगा ऐसे ही प्यार करते रहिए और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि कुछ ना कुछ नया हम लाते रहे एपिसोड में और सारे मैसेजेस जितने भी आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप जो भी मैसेज करते हो हम सब कुछ देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस सीरियल को सराहा गया है एंड जितना मतलब एक होता है कि हार्ड वर्क हर आदमी करता है लेकिन एक्सेप्ट सब नहीं करते तो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है अभी भी रोज़ इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं
बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो नेगेटिविटी वाले मैसेजेस आते हैं, तो अच्छा लगता है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं ऑडियंस को जो कि उन्हें पसंद आ रहा है। तो आई फील ब्लेस्ड, आई फील थैंकफुल ऊपर वाले का, अपने माँ बाप का, ऑडियंस का एंड अपने चैनल का, अपने प्रोडक्शन का, अपने टीम का, ये सब एक आई थिंक बस आई जस्ट फील लकी। जी सर, जी सर, जी सर, सर बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मैं 100 एपिसोड हम सब ने इतनी मेहनत की और अभी सक्सेसफुल, एक तरह से सक्सेसफुल जा रहा है हमारा शो, एंड हमें तो पता भी नहीं लगा कि 100 एपिसोड कब हो गए। मतलब अभी ऐसे लग रहा है कि 4 दिन पहले 18 अक्टूबर था एंड अभी 100 एपिसोड भी पूरे हो गए। बट अभी 100 के अभी 500,000 एपिसोड करेंगे, तो अभी आई हमारी उसी के लिए। बट इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि एक्चुअली मैं इतना मेहनत करते हैं सारे, हमारी पूरी टीम एंड लोग इतना अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड 100 एपिसोड आज की डेट पे कोई छोटी बात नहीं होती करना, तो आई फील ब्लेस्ड। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना ज़्यादा प्यार मिला है हमें मन सुंदर के पूरे टीम को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी रियली आर ग्रेटफुल फॉर दिस। अभी 100 एपिसोड का सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और हाँ, ट्विस्ट डे वन से यही हो रहा है, क्या क्या रुचिता ने देखा है, क्या क्या झेला है, मैंने तो सब देख लिया है ऐसा लग रहा है। लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हर एक एपिसोड में कुछ नया लाने की कोशिश करते थे हम, कुछ नया करते थे, और एक एक्चुअली में एक फैमिली जैसी फीलिंग आती थी, सुबह आना, रात में जाना, और पता भी नहीं चला कैसे 3 महीने इतनी जल्दी निकल गए। बट वी ऑल आर रियली हैप्पी। You're welcome। दादी, दादी क्या बताएं कि कैसा लग रहा है, सॉरी तो हो गया, आज केक कटना है और सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे सब पे, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सब पूरी टीम को, अपने सब प्रोडक्शन हाउस को, और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एवरीवन एंड ऑल आर्टिस्ट, पूरी एंटायर टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग डेज तक भूल जाते हैं कि आज डेट कौन सी है, ये तक याद नहीं रहता है। एक दूसरे से पूछते हैं ट्यूसडे है या वेडनेसडे है, मतलब लगातार हम लोग डे नाइट इस तरह से करते रहे। बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग अभी सोच रहे हैं आज, और हम मुझे तो लगता है मैं तो टास्क एक्सपर्ट हो गई, इतने इसके अगेंस्ट इतना काम, मतलब कितना इसको दुखी किया है दिस लवली गर्ल, टास्क एक्सपर्ट हो के रह गए, कहीं पे ऐसी ज़रूरत पड़ी तो बस। आई एम रियली फीलिंग वेरी ग्रेट अबाउट इट, वेरी गुड। सुनहरी का ये असली रूप अमृता सुनहरी बन के आई थी, क्योंकि उसका कुछ मकसद था कि वो अमृता के तौर पे वापस आ सके, लेकिन वो ऐसे नहीं आ सकती, तो वो कैसे आएगी, तो इसलिए उसने पहले सुनहरी का रूप लिया और वो इस घर में आई। उसने अपर्णा जी और पूनम जी और दादी को जो भी है धमकाया और कैसे भी अपनी जगह बनाई इस घर में अमृता बनके, और अब जब अमृता वापस आ गई है तो अब निहार कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, क्या उसको अपना प्यार वापस दिला पाएगी, उन दोनों का रिश्ता तोड़ पाएगी, ये सब अब आप मन सुंदर पे देखिए आगे। बहुत खुशी हो रही है, मतलब इट टेक्स अ लॉट टू कम्प्लीट 100 एपिसोड्स। हम सब ने, पूरी यूनिट ने, पूरी कास्ट ने बहुत मेहनत की है, और 100 एपिसोड्स होने पे, पूरे होने पे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब और मैं ज़्यादा कुछ कह ही नहीं पाऊँगी। आप सब 100 एपिसोड्स हो गए हैं आज। मैं एक्चुअली, हम लोग आगे दिखाने वाले हैं कि हमारे घर में एक पार्टी है, किस चीज़ की पार्टी है बता दी, और पार्टी में अमृता क्या करेगी, तो वो कुछ करने वाली है रुचिता के साथ, उसी की प्लानिंग का आज शुरू कर रहे हैं।